नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन क्विक फिक्स टेक। दोस्तों, मैं हूं रविंदर सिंह। दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मुझे, मेरे जो सोलर इन्वर्टर है उसके लोड के बारे में जानना चाहते हैं लोग, देखना चाहते हैं प्रैक्टिकली, और मैं अपने घर में क्या क्या यू चला रहा हूं उस इन्वर्टर पे। इस इन्वर्टर पर UTL गामा प्लस 12 वोल्ट, तो इस पर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या लोड चल रहा है इस पर मेरे घर पर। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि ये UTL गामा प्लस 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, मतलब सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है, तो इस पे 800 वोल्ट हम लोड डाल सकते हैं। तो मेरे घर में जो है 5-6 LED बल्ब्स और एक RO, दो TV, LED TV और हाँ, एक पानी की मोटर, ये चीज़ें मैं चलाता हूँ सोलर से, और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दिन में बैटरी चार्ज होती रहती है और लोड भी चलता रहता है, और शाम के टाइम पे जब बैटरी चार्ज नहीं होती है सोलर से, तो बैटरी ये इन्वर्टर बैकअप पे चलता है, बैटरी से एनर्जी लेता है और उस पर मेरा काम चल जाता है। रात को 2 TV और LED बल्ब जलाता हूँ मैं, लगभग 3 LED बल्ब चलते रहते हैं, 3 या 4 LED बल्ब चलते रहते हैं, और 2-4 और भी हैं बल्ब, तो जैसे कि बाथरूम हो गया, जीने का हो गया, किचन स्टोर का हो गया, तो वो भी कभी कभी चलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, और परमानेंटली जो चलते हैं वो जो हैं 3 कमरे हैं, तो तीनों में चलते रहते हैं। बट मेन चीज़ है पानी की मोटर। पानी की मोटर जो है वो क्वार्टर HP की है और वो बढ़िया आराम से चलती है, और वो दिन में चलती है क्योंकि पानी की टंकी दिन में हम भर लेते हैं, तो सोलर धूप अच्छी होती है तो उसमें चल जाता है। तो दोस्तों, बातें नहीं करनी है ज़्यादा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है, बहुत छोटी सी वीडियो बनानी है ताकि आपको बोरियत ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो बस अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं इन्वर्टर पर क्या क्या लोड चला सकता हूँ मैं। तो आइए चलते हैं। ये तार स्विच ऑफ है, इन्वर्टर का स्विच ऑफ है, तो मेन्स ऑफ है, सोलर पे ही सब कुछ चल रहा है। अभी मैं लोड दिखाता हूँ आपको। अभी पहले आप डिस्प्ले देख रहे हैं, मेन्स ऑफ है, जीरो है, सब कुछ एब्सेंट है। 13.2 वोल्ट बैटरी में है, 8 एम्पियर से चार्ज हो रही है, 219 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, 50 हर्ट्ज आउटपुट है, 6% लोड चल रहा है, 35.3 वोल्ट सोलर से आ रहे हैं, 6.4 एम्पियर आ रहे हैं, और ये भी जो है इसकी जो है डिस्प्ले काफ़ी फास्ट चलती रहती है, रोल होती रहती है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ अपने कमरे में क्या चल रहा है। तो इधर देखिए, ये एक TV चल रहा है, ये 32 इंच का LED TV है, ये फैन अभी चलता नहीं है, बाकी ये LED बल्ब लगा हुआ है, फिर ये बाथरूम है, इसमें भी एक LED बल्ब जलता है कभी कभी, ये स्टोर है, ये देखिए यहाँ पे ये ओके, RO बंद हो चुका है। अभी मैं RO भी चला के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अब ये चालू हो जाएगा क्योंकि भरा हुआ है ये पूरा, तो चल नहीं रहा था, ये चालू हो गया, ये देखिए ये चालू हो गया RO, मतलब RO भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वॉशिंग मशीन है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, 7.2 लीटर की OKG की वॉशिंग मशीन है, ये भी इसी सोलर से चलती है। यहाँ पर ये सोलर से कनेक्शन है, इन्वर्टर से यहाँ पर लगा के वॉशिंग मशीन चला देते हैं हम। रुकिए, मैं चला के ही दिखाता हूँ आपको वॉशिंग मशीन चलती है कि नहीं। तो ये वॉशिंग मशीन का तार है,
जो मैं इधर लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको वॉशिंग मशीन भी चला कर दिखा देता हूँ। ये देखिए वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े धरे पड़े हुए हैं। अभी मैं वॉशिंग मशीन ऑन कर देता हूँ यहाँ से। ये लीजिए वॉशिंग मशीन ऑन हो गई है। यहाँ से भी ऑन करना पड़ेगा। ये वॉशिंग मशीन ऑन हो गई है। देखिए आप देख पाएंगे अभी कि वॉशिंग मशीन चल रही है। ये देखिए, तो ज़्यादा देर नहीं चलाऊँगा क्योंकि बिना पानी के वॉशिंग मशीन शायद चलाना ठीक नहीं होता होगा, इसलिए मैं बंद कर देता हूँ। बाकी कपड़े इसी से धुलते हैं, सोलर से। वॉशिंग मशीन हमारी सोलर से ही चलती है और ये आरओ भी सोलर से चलता रहता है। ये देखिए आरओ फिर से लगा देता हूँ मैं। आप देखेंगे कि आरओ फिर से चल गया है। ये देखिए लाइट जल गई है, ब्लू कलर अल्ट्रा वॉलेट। तो आरओ चलता ही रहता है हमारा सोलर पर। जब वॉशिंग मशीन चलानी होती है तो आरओ हटा लेते हैं। अब चलिए आपको नीचे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ नीचे क्या क्या चलता है इससे। ये हमारा इन्वर्टर है, UTL का गामा प्लस यहाँ पर रखा हुआ है। और ये नीचे का कमरा है, यहाँ पर एक टीवी रखा हुआ है, छोटा ही है 14 इंच का, बट ये चलता रहता है दिन में भी और रात के टाइम भी चलता है। ये कंटिन्यू चलते रहते हैं लगभग दोनों टीवी, ऊपर जो आपने देखा वो भी और ये भी। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। देखिए ये टीवी ऑन हो रहा है। तो टीवी तो चलते ही रहते हैं हर वक्त, तो कोई दिक्कत नहीं है। टीवियों में इतना लोड भी नहीं होता है, तो टीवी आराम से चला लेता है इन्वर्टर। ये देखिए आप देख पा रहे हैं टीवी चल रहा है, ऊपर भी चल रहा था और यहाँ भी चल गया है। तो आपने देखा एक टीवी ऊपर था वो चल रहा है, वॉशिंग मशीन, आरओ और ये एक टीवी, तो ये सब चल रहे हैं आपके आगे ही है। चलो मैं बंद कर देता हूँ टीवी। अब आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो सबसे मेन है और हैवी लोड डालता है इस पर, पानी की मोटर। तो लोगों को डाउट था कि पानी की मोटर नहीं चलेगी इससे, बट ये डाउट उनका क्लियर हो जाएगा आज। ये देखिए ये पानी की मोटर है हमारी, यहाँ पर लगी हुई है और ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियरली, क्वार्टर HP की मोटर है ये। अधिकतर यही लगी होती है लोगों के घर में। तो अभी मैं आपको देखो मेन ग्रिड से जो लाइन आ रही है वो कट करूँगा। बाकी सोलर पे ही है ये, बट फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये लीजिए, मैंने जो खंबे से लाइट आ रही है वो काट देता हूँ। MCB ट्रिप कर दिए मैंने, अब घर में बिजली नहीं आ रही है खंबे से, अब सिर्फ जो चल रहा है वो सोलर वाला ही चीज़ चल लेंगी। तो ये मैंने मोटर ऑन कर दिए, देखिए ये मोटर ऑन हो गई है। अब ये सोलर से चल रही है, ये देखिए ऑन कर दी मैंने, बटन स्विच ऑन कर दिया, अब मोटर चल गई है। देखिए आप आवाज़ नहीं सुन पाएंगे क्योंकि माइक ख़राब हो गया अचानक मेरा, बाकी आपको मैं विजुअली दिखा रहा हूँ। ये देखिए मोटर घूम रही है, पानी भी दिखाऊंगा मैं, पानी उठा रही है पूरा। ये देखिए मैं नल चला देता हूँ, फिर आप देख पाएंगे। अभी जो है मोटर फुल स्पीड में चल रही है और इसने अब पानी उठा लिया है। ये देखिए आवाज़ से हमें पता चल जाता है पानी उठ गया कि नहीं। ये देखिए पानी उठ गया, पूरी प्रेशर से पानी आ रहा है और टंकी पे चढ़ना चालू हो गया। ये देखिए पूरा प्रेशर है, तो टंकी भर जाएगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि हमने भरी थी अभी टंकी, थोड़ी सी खाली होगी अब वो भर जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं बल्ब, LED बल्ब यहाँ पर भी लगा हुआ है नीचे। तो नीचे तीन कमरे हैं, तो तीनों कमरों में चलती है। डिस्प्ले पे देखते हैं बैटरी ऑन है, मोटर चल रही है, 220 वोल्ट दे रहा आउटपुट, 219 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, 44% यूज़ हो रहा है, 35.7 वोल्ट आ रहे हैं और देखिए टंकी भर गई है, टंकी भर गई है हमारी। देखिए पानी आपको दिख रहा है गिरते हुए, नीचे देखिए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ।
दिखाता हूँ टैंकी, बंद कर दो मोटर। ये देखिए, और ये पैनल लगा हुआ है यहाँ पर, एक ही पैनल है, सिर्फ एक पैनल लूम का, 350 वाट 24 वोल्ट और टंकी है। दोस्तों अभी आपने देखा है कि क्या क्या लोड चल रहा है मेरे इन्वर्टर पर, तो इस वीडियो से कई लोगों के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और जिन्होंने कमेंट किया था कि लोड दिखाए अपना, तो शायद वो सेटिस्फाई हो गए होंगे मेरी इस वीडियो से। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये सारा लोड जो आपने देखा बड़े आराम से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, डेली चल रहा है, और बिजली का बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा है। आपने देखा है कि स्विच ऑफ रहता है इन्वर्टर का मेन सप्लाई, तो सारा कुछ सोलर से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बैटरी भी चार्ज हो रही है, लोड भी चल रहा है। बट मुझे लगता है कि गर्मियों में, मई जून के महीने में गर्मी काफ़ी होंगी, तो कूलर पंखे कंटिन्यू 2400 घंटे चलेंगे, तब शायद मुझे थोड़ी कमी महसूस होगी सोलर एनर्जी की, उस टाइम शायद बैटरी चार्ज ना हो पाए पूरी तरह से, क्योंकि कूलर पंखे चलते रहेंगे तो सारी सोलर एनर्जी उन्हीं को चलाने में चली जाएगी, तो बैटरी कब चार्ज होगी। सॉरी, तो दोस्तों मुझे लगता है कि गर्मियों में मुझे एक पैनल और लेना पड़ेगा, तब शायद बैटरी भी चार्ज होगी और कूलर पंखे भी चलते रहेंगे। तो वो गर्मियों की बात है, और गर्मियों में देखते हैं, क्योंकि अभी मेरे को क्लियर नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहती है और काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो अभी मुझे को खुद कन्फ्यूज़न है। तो गर्मी आने दीजिए, फिर मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, और तब पता चल जाएगा कि एक पैनल सफिशियंट है हमारे घर के लिए या नहीं, वरना मैं एक और पैनल खरीदूंगा, तो वो सब आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दिए, जिन्होंने कमेंट किया था उनको सेटिस्फेक्शन हो गई होगी उनके सवाल की, और कईयों और सब्सक्राइबर या फिर जिन्होंने वीडियो देखी है उनको भी काफ़ी कुछ पता चल चुका होगा। तो दोस्तों मैंने आपका काम कर दिया है, अब आपको मेरे लिए छोटा सा काम करना है, और वो काम ये करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, ताकि मेरी वीडियो रैंक हो सके। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं जो आपने देखा इनमें से, या सोलर का कोई भी प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ख़रीद सकते हैं, उस लिंक पर क्लिक करिए, लिंक मैंने नीचे दे दिया है, और जाकर वेबसाइट पर कुछ भी जानना है, कुछ भी किसी चीज़ का रेट देखना है, वो सब का सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें, और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसका कोई पैसा नहीं लगता है और मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।